अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो स्किप्ट्रेसिंग की एक चीज़ के रिलेटेड, मतलब वीपीएन के रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ कि वीपीएन कौन सा यूज़ करें हम स्किप्ट्रेसिंग के लिए, कोई भी वेबसाइट यूज़ करने के लिए। आज की वीडियो उसके ऊपर है, क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो वीपीएन गेट क्लाइंट के ऊपर थी, जो कि यूट्यूब ने रिमूव कर दिया। उन्होंने कहा जी आप फ्री वाला पेड वाला कॉन्टेंट फ्री में बता रहे हैं, किस तरह से हो जाता है ना इशू। ठीक है, तो वो रिमूव हो चुकी है मेरी वीडियो, और कई लोग बार बार वीपीएन के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो आज मैंने कहा यार एक वीडियो बना दें प्रॉपर वे में, लोगों को बता दें कि यार कौन सा वीपीएन इस वक्त सेट चल रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है और ज़बरदस्त चल रहा है। ज़बरदस्त से मतलब ये है कि आप इसको टेलीग्राम के लिए यूज़ करें। हमारे पास टेलीग्राम जो है वो वीपीएन के बगैर नहीं चलता, कभी कभार चल भी जाता है लेकिन वीपीएन के बगैर मोस्टली नहीं चलता, तो हमें वीपीएन लगाना पड़ता है। तो उसके लिए कौन सा वीपीएन सही है, और इसके अलावा ट्रूपीपल सर्च भी इससे बहुत ज़बरदस्त चल जाती है, बड़ी अच्छे तरीके से ओपन हो जाती है। इसके बाद एक और वेबसाइट है यूएस फोन बुक, वो भी हो जाती है। उसके ऊपर मेरी आई थिंक वीडियो है पहले कि स्किप्ट्रेसिंग की वीडियो वेबसाइट है वो भी। तो आज जो है आपको इस वीपीएन के बारे में बताते हैं। और सबसे पहले अगर चैनल पर नए आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दो, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। अगर कंटेंट अच्छा लगता है यार, को फ़ायदा दिया जाता है, तो लाइक कमेंट शेयर वगैरह ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, एक मिनट लगता कर दिया करो, कुछ नहीं होगा। तो वीपीएन कौन सा है? टक्सलर नाम का वीपीएन है। इस पर मे भी मैंने बनाई थी छोटी सी वीडियो इसकी एक्सटेंशन के ऊपर, यानी कि ये आप ब्राउज़र के अंदर ही है, एक्सटेंशन लग जाती थी टक्सलर की। लेकिन इसको आप प्रॉपर डाउनलोड करके एप्लीकेशन इसकी लाइक होला, जैसे होला वीपीएन है, अगर कई लोगों ने यूज़ किया हुआ होगा, लेकिन वो बहुत हैवी किस्म का हुई है और काफ़ी टाइम लगता है चलाने में, और उसमें कुछ टाइम लगा हुआ था, टाइम लिमिट होती है, मुसीबत बनी हुई होती है। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, मतलब जस्ट कनेक्ट करें, कनेक्ट करने के बाद आप यूज़ करें, आपकी जो वेबसाइट वो बिल्कुल प्रॉपर जो है इजीली चलेगी और कोई टेंशन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो टक्सलर वीपीएन है, TUXLER टक्सलर, इसको आपने डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद इसको आपने सिंपल चलाना है, और चलाने के बाद जो है आप कोई भी वेबसाइट जो अपने एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल वीपीएन के ऊपर ही है। आपको मैं सिर्फ इस वीपीएन के बारे में बताऊंगा, इसको यूज़ करने का तरीका, इसको डाउनलोड कहाँ से हमने करना है, और मे बी मैं उसकी लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, ताकि आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर से लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट इसको डाउनलोड भी कर लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं होगी। ठीक है ना, तो ले चलता हूँ ज़रा आपको लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और वहाँ पे आपको इसका तरीक़ेकार प्रोसीजर बताते हैं कि किस तरह से टक्सलर को हमने डाउनलोड करना है, इसको यूज़ किस तरह से करना है, तरीका कार क्या होगा। चलिए ज़रा फिर स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे आपको दिखाते हैं इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। जी हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि टक्सलर को हमने किस तरह से करना है। आप Tuxler.com भी खोल सकते हैं टक्सलर वीपीएन, या आप यहाँ पे सर्च कर लें सिंपल जो है Tuxler.com, यहाँ से भी आपको उसकी वेबसाइट ही मिल जाएगी गूगल के ऊपर से सिंपली, अगर आप यहां सर्च कर लेते हैं। अगर आप ऊपर TuxlerVPN.com लिखें तब भी आ जाएगी, ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है जैसे TuxlerVPN.com। तो डाउनलोड करने का तरीका कार नीचे आ जाएं, नीचे आ जाएं, यहां पे विंडोज़ का ऑप्शन है, क्योंकि आपने विंडोज़ के लिए करना है। अगर आपके पास मैकबुक है तो आप iOS वाला ऑप्शन जो उसको करेंगे, फायरफॉक्स के लिए तो ये एक्सटेंशन के लिए दोनों क्रोम और फायरफॉक्स वाला, लेकिन आप विंडोज़ वाले पर क्लिक करेंगे, ये ओपन होने के बाद आपको पूछेगा डाउनलोड फॉर फ्री, तो इसको क्लिक कर दें डाउनलोड फॉर फ्री पे। अभी डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे और आपको इसको यूज़ करने का तरीकाकार भी बताता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट डाउनलोड 23/25 MB की फ़ाइल है, यानी कि 24 MB की मैक्सिमम फ़ाइल है, कोई इतनी बड़ी फाइल नहीं है इसकी। तो ये हो रही है हमारी डाउनलोड, एक मिनट के अंदर ही डाउनलोड हो जाएगी, एक मिनट से भी पहले आई थिंक हो रही है, कोई इतना टाइम नहीं लग रहा। सो डाउनलोड्स में प्रोग्राम्स, और ये टक्सलर वीपीएन हमारा जो है ये एप्लीकेशन आ गई है, इसको डबल क्लिक करें। जैसे इंस्टॉल करते हैं सिंपल तरीक़ेकार, इसको हम करते हैं इंस्टॉल, और डबल क्लिक किया है, इसने पूछा यस ओके, ये सेटअप इसका जो ओपन हो रहा है, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये इंस्टॉल हो रहा है हमारा जो वीपीएन है टक्सलर। और इस वीपीएन के ज़रिए आप इजीली ट्रू पीपल सर्च को भी जो है एक्सेस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती। ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, ये नीचे आप लोग देख रहे हैं आ गया, ये इस तरह से ओपन होता है। ठीक है, अब इसमें यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका यूज़ करने का तरीक़ेकार थोड़ा सा डिफरेंट है। ये ना हो कि आप सिर्फ इसको क्लिक करें और आप कहें जी हमारा अब चल गया है यहाँ वीपीएन, तो इस तरह से नहीं डायरेक्ट चल गया। इसकी एक दो चीज़ें खास जो ख्याल रखना होता है वो ये है कि आपने इसको ओपन किया यहाँ से, यानी कि इसको हमने अनप्रोटेक्टेड आ रहा है, इसको क्लिक किया, प्रोटेक्टेड मीन्स वीपीएन चल गया, लेकिन ये आ रहा है डाटा सेंटर,
इस पे येलो हुआ हुआ आप लोग देख रहे हैं, इसको आप करेंगे रेजिडेंशियल। जब आप रेजिडेंशियल करेंगे तो आपको इजीली जो ये एक्सेस हर जगह से हो जाएगी। अभी ये हमें कोरिया का दे रहा है, जस्ट नाउ कोरिया का इसने वीपीएन जो है वो सिलेक्ट किया हुआ सर्वर। यहाँ से चूज़ योर लोकेशन का ऑप्शन है, एनी को हम लेके जाएंगे नीचे, क्योंकि जारी बात अगर ट्रू पीपल सर्च यूज़ करनी है तो उसके लिए हमें मोस्टली चाहिए होता है यूएसए का या कनाडा का, हम कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया भी काम देता है, लेकिन मोस्टली यूएसए करें। देन अगर वहाँ पे सही ना चल रहा हो तो उसके बाद आप लोग क्या यूज़ करेंगे, ये यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद आप करेंगे कनाडा का, अगर यूनाइटेड स्टेट्स पे आपका काम नहीं बन रहा तो। अब ये यूनाइटेड स्टेट्स का आ गया, ठीक है, वर्जीनिया का वीए स्टेट जो है उनकी, वहाँ का सर्वर जो सिलेक्ट हो गया यूनाइटेड स्टेट्स का, ठीक है। अब हम ज़रा ओपन करके चेक कर लेते हैं ट्रू पीपल सर्च, truepeoplesearch.com, इसको हम ओपन करते हैं और ये हमारी truepeoplesearch.com जो वेबसाइट है ये इसके ज़रिए ओपन हो जाएगी। ओपन क्यों नहीं हो रही, वीपीएन चलाने के बाद जैसा कि आप लोगों को पता है थोड़ी स्पीड स्लो हो जाती है इंटरनेट की, बल्कि थोड़ी सी नहीं अच्छी खासी हो जाती है, लाइक आपने भी देखा ही है 1.5-2 MB स्पीड आ रही थी डाउनलोड के वक्त, लेकिन जब वीपीएन चला है तो काफ़ी स्लो ओपन हो चुकी है। यानी कि आपकी ट्रू पीपल सर्च बिल्कुल इजीली इस वीपीएन के ज़रिए चल जाएगी, आपको कोई मसला जो है वो दरपेश नहीं आएगा। ये वीपीएन आपके पास एक्सटेंशन के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, यहाँ मेरे पास एक्सटेंशन भी ऑलरेडी मौजूद है इसकी, लेकिन एक्सटेंशन यूज़ नहीं करते क्योंकि एक्सटेंशन के साथ वो परफॉर्मेंस नहीं है जो हमारी इसको इंस्टॉल करके इसकी बकायदा जो एप्लीकेशन है आपके डेस्कटॉप पे आ जाती है। ये खड़ा है और यहाँ पे हमारे पास ये टेक्सलर वीपीएन ये खड़ी हुई है, इसकी जो शॉर्टकट है इसको ओपन करने के लिए, ठीक है, टेक्सलर को। तो टेक्सलर सिंपल आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बाकी ये प्रीमियम भी है, अगर आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं अपग्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात हम लोग अपग्रेड नहीं करेंगे, हम तो अपना ट्रू पीपल्स के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो फिलहाल ये बेस्ट जा रहा है, इसमें कोई आपके पास टाइम का ऑप्शन नहीं जैसे होला के अंदर आता है कि जी इतनी देर हो तो आपको जो है उसका इतना टाइम चलेगा, इसके बाद जो है वो यूज़ नहीं होगा, इसमें वो कोई सीन नहीं है। आप अपनी यहाँ से लोकेशन चेंज कर सकते हैं जोन से एरिया में आप जिस जहाँ का सर्वर लगाना चाह रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स का ना लगे ट्रू पीपल के लिए तो आपने उसके लिए कौन सा लगाना है, कैनेडा का लगा लेना अगर यहाँ पर कैनेडा का अवेलेबल होगा तो। हम अभी देख लेते हैं कि कैनेडा का आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहीं नज़दीक पहुँच गए हैं, चाइना, कोलम्बिया, कैमरॉन, कैनेडा, सो कनाडा का भी आ रहा है और ये चेंज हो गया, आईपी सक्सेसफुली चेंज, लोकेशन कनाडा। यहाँ पे छोटा सा जो है बाहर आ जाती है आपको बताने के लिए कि ये वहाँ अब कौन सा इसका वीपीएन जो वो चल रहा है। तो सिंपल सा है टेक्सलर और बहुत इजी टू यूज़ है, बजाय होला वगैरह करने के या कोई और जो टाइम टेकिंग होता है जिसमें टाइम उनका लगा होता है कि जी घंटा चलेगा या 2 घंटे चलेगा, तो उससे ये बेस्ट है और सिंपल टू यूज़ है। आपने यहाँ से चलाया, इसको यहीं से बंद कर दें, इसको क्लोज़ करें, नीचे आपके इस बार के अंदर भी खड़ा होता है, यहाँ पर जब ऑन आपने एक दफ़ा किया है तो इसको डबल क्लिक करें, ओपन, ओपन करने के बाद जस्ट 1 क्लिक के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये चीज़ खास ख्याल रखना है कि आपने रेजिडेंशियल पे करके ही करना है, डाटा सेंटर पे नहीं जाना, रेजिडेंशियल पे हमेशा यूज़ करें और स्टार्ट कोशिश करनी है कि आपने स्टार्ट जो है वो यूएसए के सर्वर से ही करना है, यूनाइटेड स्टेट्स वाला जो है सर्वर, अपनी जो लोकेशन आपने यूज़ करनी है वो यूनाइटेड स्टेट्स की करेंगे, यूएसए की। ये अभी इसने मेरे ख्याल ज़्यादा चेंजिंग की है फ़ौरन बार बार, तो इस वजह से उसने लोकेशन जो है वो हमारी कैच नहीं की, उसने ऑटोमेटिक दे दी है, क्योंकि एक ही जगह को बार बार चेंज करने से थोड़ा सा मसला हो जाता है। सो ये आ गई, हाँ ठीक है, यूएसए की आ गई, वीए की आ रही है। तो सिंपल सा है, उम्मीद है कि इसको यूज़ करना, इंस्टॉल करना आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा। तो मैं इसका जो डाउनलोड वाला ये वाला लिंक है ये उठा के डाल दूंगा इंशाल्लाह जो है अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर वहीं से आप 1 क्लिक के साथ यहाँ पे आ जाएंगे इस पेज के ऊपर और यहाँ से आप डाउनलोड फॉर फ्री पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।